हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपना इंस्टाग्राम चलाते हैं और अगर आप अपने इंस्टाग्राम पर कोई फोटो हो या वीडियो उसको शेयर करते हैं तो वो दोस्तों ऑटोमेटिक आपके फेसबुक अकाउंट पर शेयर हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो या अनलिंक करना चाहते हो तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। चलिए मैं अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं। यहां पे मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लिया हूं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहां पे नीचे प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चलिए मैं यहां पे मार्क चालू कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपके यहां पे कोने साइड में तीन लाइन है, आपको तीन लाइन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद गाइस आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहां पे एक ऑप्शन नजर आएगा सेटिंग का, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन नजर आएगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा अकाउंट का, नीचे आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा। आपको यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन देख सकते लिखा हुआ है शेयरिंग टू अदर ऐप, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक बार इस पर क्लिक करने के बाद आपसे सामने हमारे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखते हैं हमारे इंस्टाग्राम से हमारा फेसबुक अकाउंट यहाँ से कनेक्ट है। देखते हैं यहाँ पे शेयरिंग टू अदर ऐप, यहाँ फेसबुक देखते हैं हमारा इंस्टाग्राम से हमारे कनेक्ट है। अगर दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर कोई फोटो हो या वीडियो को शेयर करूँगा तो हमारे फेसबुक पर ही वो शेयर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम इसे रिमूव करके दिखाता हूँ, डिलीट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पे अकाउंट शो कर रहा है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन नजर आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं अगर आपका ये दोनों ऑप्शन ऑन रहता है तो आपको यहाँ पे इसको ऑफ कर देना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है योर इंस्टाग्राम स्टोरी योर इंस्टाग्राम पोस्ट, आपको इसको ऑफ कर देना है दोनों को। आपको दोनों को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा अकाउंट सेंटर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक हमारा प्रोफाइल दिख रहा है हमारे फेसबुक का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको वहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ फिर से आपका फेसबुक प्रोफाइल यहाँ पे शो करेगा, आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा, नीचे लिखा हुआ है रिमूव फॉर अकाउंट सेंटर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन और नजर आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव हमारा जो फेसबुक का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखते हैं हमारा यहाँ पे देखते हैं हमारा जो नाम है यहाँ दे दिया शिव प्रताप पटेल रिमो। दोस्तों जो हमारा फेसबुक अकाउंट है हमारे इंस्टाग्राम से रिमो हो चुका है दोस्तों। अगर दोस्तों अब मैं अपने इंस्टाग्राम पर कोई फोटो है वीडियो को शेयर करूँगा तो हमारे फेसबुक अकाउंट में दोस्तों शेयर नहीं होगा दोस्तों। सो गाइस इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम से दोस्तों फेसबुक अकाउंट को लिंक कर सकते हो दोस्तों। सो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।